अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज सुबह से जो है ना, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं उठूँ, तैयार हूँ, क्योंकि जो है ना, मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं थी। नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है हल्का हल्का सा। खैर, सुबह भी आप ही ने मुझे दवाई दी थी, कल रात को भी दवाई दी थी। अब ये है कि थोड़ा सा आराम है, और मैंने सोचा चले अब थोड़ा सा होलिया भी सुधार लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। अब जब थोड़ा सा आराम हो चुका है तबीयत में, तो अभी मैं जो है ना, थोड़ी देर पहले तैयार हुई हूँ और अब वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। जब तबीयत खराब होती है ना, दिल ही नहीं कर रहा होता वीडियो बनाने का। खैर, अभी थोड़ी सी होलिया सुधारा है मैंने अपना थोड़ा सा। और सुबह से जो है ना, आप ही की दोनों नंदे आई हुई है, एक नंद शादीशुदा है तो उसके बच्चे भी साथ में आए हुए हैं, और पूरे घर में जो है ना, उधम मचा हुआ है, शोर मच रहा है। यानी कि बहुत अच्छा माहौल हो रखा है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना जिस घर में, वहाँ जो है ना, शोर शराबा होना होता है। तो यही हो रहा है, सुबह से बहुत शोर हो रहा है। अभी बाहर तो कोई भी नहीं, लेकिन अंदर घर में बड़ा शोर हो रहा है, क्योंकि बाहर धूप इतनी है, बच्चों को हम बाहर नहीं आने दे रहे। और पापा आप ही दोनों हैं किचन में, क्योंकि आज हम पका रहे हैं स्पेशल खाना। आप ही ने बोला था कि मुझे हलीम खाना है, तो पापा ने बोला चले मैं अपनी बेटी को हलीम बना के दूंगा, हलीम सिखाऊंगा भी। तो अभी जो है ना, पापा किचन में हलीम सिखा रहे हैं आप ही को बनाना, और खुद बना रहे हैं। यानी कि आज हम पकाएंगे हलीम, पक रहा है अभी फिलहाल किचन में, सुबह से तैयारियां चल रही है, हलीम पक रहा है। और मैं यहाँ पर तैयार होकर मौसम एंजॉय कर रही हूँ मजे से, और बच्चों के साथ खेल रही हूँ इधर उधर। सुबह मौसम तो बहुत प्यारा था, लेकिन आज जो है ना, दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। सुबह बहुत अच्छा मौसम था, धुंध भी हो रही थी हल्की हल्की, सुबह में फजर के टाइम उठी तो धुंध हो रही थी, लेकिन अभी देखें कितनी कड़क धूप है। लेकिन जो है ना, आपको देखने से मौसम अच्छा लग रहा होगा, इधर बादल हो रहे हैं व्हाइट कलर के, इधर बादल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है सारी कड़क धूप है, बहुत गर्मी हो रही है बाहर, लेकिन हवा भी चल रही है। गर्मी भी नहीं हो रही, हवा भी चल रही है, यानी कि तपिश भी है धूप की और ठंडक भी है, दोनों है साथ में। बैठ सकता है बंदा धूप में नहीं, लेकिन यहाँ छाँव में जरूर बैठ सकता है। तो चलें जी, चलते हैं अंदर। भाई आजकल सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो भाई सो जाते हैं दोपहर के टाइम में। पापा बड़े डांटते हैं कि नहीं सोया करो। और सुहान भी देखें यहाँ पर सुकून से सो रहा है, क्योंकि जो है ना, सुबह से ये भी थका हुआ है, खेल खेल के सबके साथ सो गया है ये भी। और यहाँ पीछे भी बड़ी धूप हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बड़ी धूप हो रही है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे भी मौसम काफी प्यारा बना हुआ है। और ये देखें जी, ये तीनों बच्चे जो है ना, यहाँ पूरे शहर में खेल रहे हैं। एक ये छोटा सा है, उससे बड़ा ये है, सबसे बड़ी हानि है, तीनों ने उधम मचाया हुआ है। और एक बच्चा जो है ना सो रहा है, जो कि सबसे ज्यादा शैतान है, वो बच्चा सो रहा है। ये तीनों ही बड़े शैतानी अंडे हैं, बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं। हानिया क्या हुआ, कपड़े चेंज करने हैं हानिया ने? हानिया का दुपट्टा अभी ऊपर ही सूख रहा है। आप ही ने जो है ना सुबह कपड़े धोए थे, तो हानिया अपना दुपट्टा ढूंढ रही है यहाँ पर। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर छत पे, और आप मौसम देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है ऊपर, लेकिन जो है ना बहुत ज्यादा कड़क धूप है, बहुत गर्मी है। लेकिन मुझसे यहाँ जो है ना, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है, इतनी गर्मी है। मैंने सोचा थोड़ा सा ऊपर चक्कर मार के आती हूँ, कब से नीचे बैठी हूँ, हवा खा के आती हूँ ऊपर की। यहाँ पर जो है ना बड़ा मजा आता है मुझे बैठने में, अक्सर 6 बजे के टाइम में ऊपर आ जाती हूँ, आराम करती हूँ, क्योंकि ना सब बच्चे नीचे होते हैं, आप ही भाई सब नीचे होते हैं, तो मैं ऊपर आ जाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर अंधेरा होने से पहले नीचे ले जाती हूँ। ये देखें जी, ये है यहाँ के गांव का माहौल, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। हमेशा दिल करता है मैं यहीं रुक जाऊँ, लेकिन अपना घर कराची में है, वहां जाना भी लाजमी होता है, सब रहते हैं वहाँ। लेकिन यहाँ से ना बड़ा मजा आता है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। लेकिन जब ये ग्रीनरी होती है ना, यहाँ पूरी जगह ग्रीन होती है, तब ज्यादा अच्छा लगता है व्यू। लेकिन अभी फिलहाल ये जो है ना, सारी गंदम कट से आएगी कुछ ही दिनों में, फिर यहाँ जो है ना खाली जमीन नजर आएगी। अभी शाम का टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं बाहर जो है ना धूप सारी चले गई है, अब बस दरख्तों पे आ रही है। और अभी जो है ना किचन में आप ही काम कर रही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी, आप देख सकते हैं बर्तन सारे धुल गए हैं, ये बस एक भगोना रखा है, क्योंकि आज हलीम बन रहा है ना घर में, तो पूरे किचन का कबाड़ा हुआ हुआ था, पूरा किचन फैला हुआ था। अभी आप ही ने थोड़ा सेट किया, सारे बर्तन धोए। और पापा यहाँ पर अभी अभी आए हैं चमचा चलाने के लिए, क्योंकि जो है ना इसको हर 5 मिनट में चमचा चलाना पड़ता है। यहाँ पर बन रहा है देखे हमारा हलीम, ये देखिए जी इतना सारा है कि मैं तो सोच रही हूँ कौन कौन खाएगा, लेकिन वैसे ही हम इतने सारे अफराद है यहाँ, तो साथ तो बहुत सारे हैं, सभी खाएंगे। और क्योंकि आप ही के ससुराल भी भेजना है, आप ही कह रही हैं थोड़ा हाँ, क्योंकि थोड़ा सबको भेज देंगे ताकि चख लें। ये बनाया ही ज्यादा इसलिए कि हाँ, और देखें इसकी खुशबू ना अभी आना स्टार्ट हुई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पापा ने गोश्त डाला था, अभी आना स्टार्ट हो गई खुशबू इसकी। और जो है ना नीचे रख के पक रहा है ये, ऊपर जो है ना
नहीं पका रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा भगोना है, फिर चूल्हा ज्यादा ही ऊंचा हो जाता है, इसलिए नीचे रख लिया, आराम से सुकून से पक रहा है अब। चूल्हा दरअसल छोटा है। हाँ छोटा भी है इस वजह से। हाँ और वैसे फर्स्ट टाइम पका के खिला रहे ना पापी को। हाँ ये समझ ले मेरी जो है ना यहाँ पर पहली कुकिंग है, हाँ यहाँ पर पहली कुकिंग। निशा के घर पर पहली कुकिंग है और विलेज में भी पहली कुकिंग। हम तो विलेज ही कहेंगे ना। हाँ विलेज ये हमारे लिए तो गांव ही है। बस आप ही जब आई थी ना, आप ही को हमने थोड़ा सा तब बना के खिलाया था, लेकिन अब आप ही की फरमाइश पे पक रहा है ये। आप जब हम कराची में थे ना, तभी आप ही ने बोल दिया था, पापा जब आप आएंगे ना तो मुझे हलीम बना के खिलाना। हाँ ये अब पूरे 1 साल के बाद अब पक रहा है। वैसे तो 2 महीने बाद फिर मुहर्रम आ जाएगा, 2 ढाई महीने बाद इंशाल्लाह जब भी पकाएंगे। हाँ इंशाल्लाह वो तो घर पे जाके पकाएंगे फिर हम। हमारे तो हर साल पकता ही है। और ना आप ही को सिखा भी दिया है पापा ने, अब आप ही बोलती है मैं जो है ना खुद भी पका लूंगी अब तो अपने लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ जो है घर में कोई ज्यादा पकाते भी नहीं है लोग, बस जो है ना मार्केट से ले आते हैं, मार्केट का पकावा खाते हैं। हलीम यहाँ पर घर में बिल्कुल भी नहीं पकता, और हमारे यहाँ तो हर घर में पकता है हलीम। खैर अभी इसको पकने में पापा कितनी देर लगेगी? चलो अभी तो इसको कम से कम भी 1.5 घंटा और लगेगा। 1.5 घंटा बहुत देर है, अभी तो हाँ इतनी सी आंच पे पकता रहेगा। आप देख सकते हैं कितना सलीके से चूल्हा चल रहा है, बस ये इतना सही चूल्हे पे बहुत देर पकेगा अभी। तो चलें जी, मैं अभी इस वक्त ऊपर आ गया हूँ, किचन में था थोड़ी देर पहले, और मैं इस पर इसलिए आया हूँ क्योंकि अब मेरा काम हो गया है कंप्लीट ख़त्म। मैं दोपहर से 2 बजे का किचन में काम कर रहा था, यानी कि किचन में क्या काम कर रहा था वो तो आपने देख ही लिया है, क्योंकि आज निशा की फरमाइश पर मैंने पकाया है हलीम। क्योंकि निशा ने कहा था कि पापा जब मैं आपके घर पर आई थी 1 साल पहले, और जब चैनल बनाया था तो जब आपने हलीम भी बनाया था, हलीम पका के खिलाया था, तो निशा को बहुत अच्छा लगा था। तो निशा ने कहा कि आज जो है ना, अब आपके कुछ ही दिन रह गए, 1 आध दिन आप बाद जो है आप चले जाएंगे, तो आप जो है आप हलीम पकाएं और हमें खिलाएं, यानी कि हम भी खाएंगे और यानी कि निशा के ससुराल वाले भी खाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। चले मैंने फिर निशा की फरमाइश पर हलीम पकाया, और अभी बस थोड़ा सा काम रह गया है हलीम में, वो निशा करती रहेगी। और मैं आया हूँ अभी ऊपर, इसलिए आ गया कि बैठे बैठे थक गया था, और थके थके जो है ना मैंने सोचा चलें मौसम का थोड़ा सा इंजॉय करें, क्योंकि नीचे जो है ना बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि निशा की नंद वगैरह आई हुई हैं 2-3, और छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नीचे खेल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, शुगल हो रहा है, यानी कि शोर शराबा खेल में लगे हुए हैं सब बच्चे माशाल्लाह से। चलें तो इंशाल्लाह बस कुछ दिन बाद जो है ना बस हमारी टिकट भी होगी, 1 आध दिन में टिकट करवानी है, क्योंकि अगर टाइम के टाइम कराएंगे तो बहुत आगे लेट हो जाएंगे। कोशिश तो यह है कि जल्द से जल्द के टिकट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो चले जी ये देखें, ये कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और 6:35 का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा चले आपको सूरज ग्रुप होता हुआ दिखाऊं। देखें शायद आपको नज़र आ रहा हो सूरज कि कितना ग्रुप हो रहा है कितना नहीं, क्योंकि बहुत बारीक सा रह गया है। इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये देखें बहुत बारीक सा रह गया है, बिल्कुल ग्रुप हो रहा है, और 6:35 का टाइम हो रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा मंज़र हो रहा है। अभी 2 मिनट पहले मैं जब ऊपर आया था तो पूरा पूरा आधा सूरज रह गया था, यानी कि बिल्कुल ऑरेंज कलर का आधा सूरज था, और अब बिल्कुल एंड होता जा रहा है। शायद अब वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब ये पूरा ग्रुप हो चुका है। चलें जी, अजानों का भी टाइम हो रहा है, मगरिब होने वाली है, और जो है इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि टिकट जो है जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आज है 15 तारीख, तकरीबन 17-18 तारीख तक के टिकट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखते हैं अब कौन सी तारीख के टिकट मिलती है, और कंफर्म तो जब ही होगा जब टिकट मिलेगी। बहरहाल अब वो जाने के बाद ही पता चलेगा कि हमें कौन सी तारीख की टिकट मिलती है। तो इंशाल्लाह आपको जो है आज की जो व्लॉग है पसंद आई होगी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।